सुरक्षित कनाल, आई होप योर लाइफ इज फाइन। जैसे कि आप मेरे कपड़ों से देख रहे हो कि गर्मी आ चुकी है भाई, हमारे यहाँ गर्मी हो रही है यार, बहुत भयंकर वाली गर्मी गिरने लग रही है। और जैसे कि मेट्रो सिटीज में तो यार दिल्ली वाली साइड तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा। लोगों ने एसी चलाने शुरू कर दिए, हमने पंखे, हम अभी तक फैन पे ही आए हैं, बट जल्दी मुझे लग रहा है 10-1 दिन में कूलर और एसी के पास पहुंचना पड़ेगा। आप लोग भी बताना आपके कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम, गर्मी का क्या माहौल चल रहा है। सो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, आज हम आपको दिखाएंगे छोटे छोटे कितने छोटे हर्षल? बहुत छोटे हैं। कितने? पांच। हर्षल जितने। सो भाई आज हम आपको दिखाएंगे छोटे छोटे रोटवाइलर के बच्चे। और रोटवाइलर किसके बच्चे भाई? हमारे थोर के बच्चे। और थोर के बच्चे भाई, अब वही बात है ना, 2-3 लीटर आ रहे हैं। सो तभी मैं ये जो सेकंड लीटर था, कईयों ने मेरे से पेट डोवर्सिटी में पूछा भी था कि भैया आपके पास और बच्चे हैं रोटवाइलर थोर के? सो मैंने कहा था कि जी हाँ है, वो पूछ रहे थे ना जैसे फीमेल वगैरह है, तो मैंने कहा हाँ है भाई। और क्योंकि मैं जो फार्म पे दिखा रहा था वो तो मेरे पास 2 बच्चे थे और वो हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं, उसमें से 1 बच्चे के ऊपर नीचे चल रही है। अगर वो चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पेट डोवर्सिटी का, वो ले ले, उस नंबर पे बात कर लेना। तो दोस्तों एक बार बच्चे देखने से पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ जो पापा ने अपने पेट डोवर्सिटी फार्म पे करा है। भाई मेरे को सरप्राइज कर दिया पापा ने, मैं गया था फार्म पे और जाते ही पापा ने कुछ करा हुआ था और मैं देख के इतना खुश हुआ और सरप्राइज कर दिया। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है यार, आप लोग देखो और फिर बताना और फिर पपीज दिखाएंगे, ठीक है? लो भाई मैं अंदर आते ही पापा ने कुछ पक्का ही काम कर रखा है। क्या कर दिया पापा? 2 काम हो गया अच्छे। अपन एक पहला एक्सपेरिमेंट करेगा कच्चे का, ठीक है? कच्चे का करा इसलिए था कि भाई ये खेलेंगे कुछ नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ज्यादा था, क्योंकि ये बच्चे मिट्टी भी खाते थे, है ना, मिट्टी इतनी खा लेते थे। दूसरा मिट्टी में इतने गंदे हो जाते थे, कोट खराब होता। अब चीज वही रहेगी, अब खेल भी उतना ही देंगे, एक तो कोट खराब नहीं होगा और पैर भी खराब, पैर खराब नहीं होगा, रंगा नहीं। ये देखो क्या कर दिया भाई पापा मेरे, एक नंबर आदमी है। सारी हाइट जो थी वो उठा के इसमें रख दी, टॉप का लगा, टॉप का गले लग जाता हूँ पापा। दूध वगैरह, दूध और दही आ गए इन बच्चों के लिए। ओ पापा आपकी गाड़ी दुआ दी, ठीक है? यहाँ खड़ी छाया में। सो अभी आप लोगों का ना मन में शायद डाउट आ जाए कि भाई थोर के बच्चे तो पेट डोवर्सिटी फार्म पे है, तो भाई ये जो है ना यहाँ पे सुमित का कैनल और पेट डोवर्सिटी, सो पेट डोवर्सिटी के अंदर ही है सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मेरे को फोन करना चाहते हो आप मुझे कर लो, या सुमित को करना चाहते हो आप सुमित को कर लो, हम दोनों भाई है, कोई इशू नहीं है। और लैबरा के बच्चे मैंने कल दिखाए थे मनोज यादव भैया के पास, उधर भी मैंने नंबर नीचे दिया हुआ था, सो वो आप डायरेक्ट उधर बात करो, ठीक है? तो मेन मोटिव क्या था वो दिखाने का और ये दिखाने का कि आपके पास क्वालिटी, देखो यार ऑब्वियसली बात है क्वालिटी लवर्स हो आप लोग, हम भी क्वालिटी लवर्स हैं, ठीक है? डॉग लवर तो है ही है सारे, और डॉग लवर में ये है स्ट्रीट डॉग्स भी सारे अपने साथ ही हैं, उनको भी खाना हम खिलाते हैं, बट जब बात आ जाती है क्वालिटी पे, सो हम क्वालिटी लवर्स है, इसलिए मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको अगर रोटवाइलर लेने हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो, ऐसी वीडियोस बहुत कम आती है जिसमें मदर भी दिखाई जाती है, बच्चे भी दिखाए जाते हैं, और पापा तो दिखाया ही जाता है। तो भाई इसका फादर थोर है, जो कि आप अपने वीडियोस में देखते ही हो सारे हर जगह, और मदर भी दिखाएंगे और बच्चे भी दिखाएंगे। और छोटे छोटे, इतने छोटे बच्चे हैं भाई, और प्यारे बच्चे हैं कि भाई हर्षल तो एक लेके जा रहा है। सो आप लोगों को अपने बच्चे लेके जाने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो क्या करें भाई? ले जाओ कॉल तो करो कॉल करेंगे तभी लेके जाएंगे। हाँ तो चलो दिखाए फिर हर्षल, और बताइए कितने छोटे हैं, छोटा सा बन के दिखाइए। सो चलो भाई आपको लोग, आप लोगों को ना बच्चे दिखाते हैं भाई। आ गए वापस अपने फार्म नंबर 1.0। तो ये लो भाई, ये फीमेल है। हाँ भाई फीमेल, क्या नाम है इसका? सैंडी। सैंडी, हाँ। इसके बच्चे हैं? हाँ जी भैया। कितने अपने 40 दिन के हो गए होंगे भाई? हाँ जी भैया, नियर अबाउट 40 डेज के हो गए। 39 डेज है आज। देखो कितनी फ्रेंडली है इसको पकड़ा भाई सुमित को, ये इसको इसको तो चाहे गोदी में उठा लो, इसके फ्रेंड भी दिखाई नहीं। दोस्तों आप लोग गोदी में उठवाना चाहते हो इसे? चलो चाहते ही हो आप, ले देख ले।
कैच कर ले। लो भाई ये रोटवाइलर आप लोग कहते हो, आप अब तो नहीं कहते जब से आपने अपना चैनल देखा, फिर भी भाई देख लो ये रोटवाइलर बिल्कुल भी नहीं कहते कुछ भी ठालो। और अरसल तो पहली बार मिला इसे, बच्चों की माँ तो ये होगी, पिताजी कौन है? पिताजी थोर द रोटवाइलर पिताजी हो इनका। सो बच्चों के पिताजी के दादाजी भी आए हुए हैं परदादा तो भाई अभी एक काम करते हैं, बच्चों को वहाँ उधर उधर से दिखाते हैं, हैं? और थोड़ा ये भी अरसल भी खेल लेगा और बाकी ये बच्चे सारे अवेलेबल है भाई। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, सुमित का भी दे दिया मैंने, पेट डाइवर्सिटी का भी दे दिया, जहां मिले वहां मिला देना। कई बार ये होता है ना फोन इधर उधर, कई बार नहीं उठता तो आप सुमित को फोन करना। और भाई बता क्या डिलीवरी वाला क्या सीन है? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है, कई क्या होता है क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि डिलीवरी होगी या नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया जहां आप चाहेंगे वहां आपका बच्चा हम डिलीवर करेंगे, बाय ट्रेन बाय फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। बाय फ्लाइट एयर इंडिया की कंडीशंस होती है, बाय ट्रेन हमारा लड़का साथ आएगा, वो आपके घर पे डिलीवरी देके आपको जाएगा। और भाई अगर आपको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। और अगर आपको यूं है भाई कि आपको हमसे यहाँ के लेके जाना है तो भाई कोई इशू ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आओ फीमेल देखो, फादर देखो और ले जाओ बच्चा, ले जाओ है ना। हाँ बट कई कंडीशन होते हैं कि वो नहीं आ पाते, नहीं आ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी भी अवेलेबल होती है। चलो भाई अब शानदार बच्चे दिखाते हैं, थोर राजा के और हमारी सैंडी के। भाई हर्षल यूं बता दे कैसे बच्चे हैं भाई? गजब है भाई, है गजब है, पसंद आ गया, पसंद आ गया। बस चलो एक तो घर में ही गया। चलो भाई चलो बच्चे दिखाते हैं आप लोगों को। माँ के पास तो बच्चे बिना बोले पहुंच जाते हैं। अब ये वैसे 40 दिन के हो गए तो अब तो ये दूध नहीं पी रहे हैं ना, अब इतना दूध आता भी ना 40-40 डेज तक। हाँ तो बाकी वो मोटू वाला जो अपना वो कोशिश तो कर ही रहा है। तो ये बैठे भाई ये सारे हमारे बच्चे यहाँ पे आए, थोर के थोर राजा के बच्चे। ये देखो भाई, ये देखो हेड देखो। वैसे तो 40 डेज के बच्चे का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता चलता भाई। रियलिटी कहने को तो आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह के बेच लो, बाकी भाई रियलिटी तो ये है कि आप जो मदर फादर से जज हो सकते हैं। हां मदर फादर से जज हो सकती है। सैंडी सैंडी ले, एक और खेल लो भाई, खेलने के लिए कह रही है। आ जा सैंडी ले, वो दूध पीना चाह रहा है बच्चा। वही है ना इस टाइम देखो भाई क्या होता है, इनके टीथ आ जाते हैं तो जो ये निपल फाड़ देते हैं। हां आ जा तू इधर मोटे, इधर आ जा ले बस। हाँ क्योंकि भाई आप सबको पता है जिसने डॉग्स रखे हुए ना, इस टाइम देखो इसके दांत दिखा भाई, एक बार इसके दांत, ये देखो भाई दांत आ जाते हैं ये क्या इसके कितने बड़े दांत निकालते हुए। तो फिर ये चुभते हैं भाई बहुत बुरी तरीके से, तभी कहते हैं कि 40 मतलब ऑलमोस्ट। वैसे कितने दिन तक दूध पिलाती है फीमेल? यही 30-28 दिन तक, बच्चों की बात, बच्चों को नाखून वो दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मदर कम हो जाती है, इरिटेट हो जाती है वो। दूसरी बात नाखून आते हैं ना जैसे ये फोर्स करते हैं अपने आप को, पुल करते हैं निपल को, वो फाड़ देते हैं सारे निपल, उसकी वजह से मदर को प्रॉब्लम होती है ना। हाँ तो ये भी रीजन है भाई। और बाकी इस बात पे तो मैं भी कहूंगा, देखो कई लोग पता नहीं क्या क्या कह के बेच देते हैं, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, डॉग्स दिखा रहे हैं आपको तो आपके पास देने के लिए दिखा रहे हैं, है ना। इतने इतने डॉग्स को तो हम भी नहीं रख सकते, बिल्कुल सीधी सी बात है। रख रखे हैं जो वो शो के तौर पे रखे हुए हैं। देखो जी सेल करना भी एक मजबूरी होती है, बंदा 5-5-6-6 फीमेल को मेंटेन कर रहा, हर चीज का खर्चा आता है, ठीक है। क्योंकि ये कौन से वर्क भी है, यूं तो है नहीं कि रोटियों पे पल रहे हैं। हाँ। भाई प्रॉपर चिकन है, प्रॉपर फीड आता है तो इस वजह से। और यूं है भाई आप लोगों के पास भी एक क्वालिटी जाए, ये भी मैटर करती है। और वो वाली बात मैं वापस कहूंगा जो ऐसे कहते हैं भाई ये देखो 30 दिन का बच्चा, 50 दिन का बच्चा, शो क्वालिटी है फलाना ढिमकाना। देखो भाई रियलिटी, मैंने भी अब जैसे अब थोर के बच्चे आ गए हैं, पेट डाइवर्सिटी पे भी रखे, वो पहले लीटर के, ये दूसरे लीटर के बच्चे हैं, थर्ड लीटर अब 23 या 24 तारीख को एक और होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक और थोर का बच्चा लीटर होने वाला है, फिर अभी कोनी का भी होएगा। सो इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ना मेरे को भी हो गया, बाकी इसने तो देख सुमित ने आपने तो देख ही लिया, साल दो तीन डेढ़ साल से तो अपने चैनल पे भी आ रहा है भाई। सो इतना एक्सपीरियंस है कि भाई सीधी सी बात है 50 दिन के बच्चे को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये क्या निकलेगा, ठीक है। और ये आप इस चीज से जज कर लो कि जो मदर है उसके फादर है जैसे वो है ना, उससे 19-21 बच्चा जाता है और ज्यादातर बच्चा ऊपर ही जाता है, कम नहीं जाता, है ना, बिल्कुल जाता है ऊपर। और बहुत बड़ी चीज ये भी मैटर करती है कि आप बच्चों को खिला क्या रहे हो, कैसी परवरिश है। डाइट तो बहुत होता है ना, जैसे 70% बच्चा होता है, जीन होता है उसकी, हर चीज होती है,
30% आपकी डाइट मैटर करती है। हाँ। अगर आप उसको सूखी रोटी पे पालना चाहोगे तो वो रोट वाइलर थोड़ी बनेगा बेचारा। हाँ, फिर वो वही मतलब पल तो जाएगा, पालेगा तो सही वो, पर फिर आप कहोगे कि भाई क्वालिटी नहीं हुई है, वो नहीं मेंटेन नहीं रहेगा। भाई इनकी ना डिलीवरी ये पपीज अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट डोमेस्टी का भी नंबर है, सुमित का भी नंबर है, फोन करो और अपना बच्चा ले जाओ। और अगर आपको मिलना है हमसे तो आपका मोस्ट वेलकम, और अगर आप किसी कारण नहीं मिल सकते कोई इशू नहीं है भाई, आप डिलीवरी हो जाएगी अभी जैसे बता दिया था सुमित ने। आप देख लो ऐसी मदर आपने नहीं देखी होगी। साथ में बैठी बेचारी और ये देखो हाँ। पैर काटने को बैठा है, खुद इरिटेट करने लग रहा है वो बिल्कुल। और ये देखो हर्षल तो भाई। पर आपको एक चीज सबसे बढ़िया देखने को मिलेगी अगर आप आओगे तो, मदर फादर पपी तीनों आपको एक ही जगह मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे। गाइज ये देखो आप बच्चा 39 डेज का हुआ है, हेड साइज देखो फुली हेल्दी है, ऊपर का खाना पीना सब नेचुरल कर रहा है अपने आप, ठीक है। मदर फीडिंग छोड़े 8-9 दिन हो गए इनको, जल्दी से जल्दी अपना बुक करें और मंगवा लीजिए। और ये जो व्हाइट मार्क बोलते हैं ना, ये 3 महीने बाद नया कोट आता है, तो जैसे कोट शेड होगा ना तो उसके साथ आ जाएगा। जैसे आपने लास्ट थोर की वीडियो देखी हो स्टार्टिंग में, थोर को भी हुआ करता था, थोर के भी होता था, और आज के टाइम तो सभी में आ रहा है, जैसे जैसे नया ब्लड इंक्लूड हो रहा है ना रोटवाइलर में तो वैसे आ रहा है ये सब। कोई फिर बड़ी ये अपने आप हट जाता है, नया शेड होता है ना, मतलब कि देखो मेरी रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि थोर के भी हुए हैं उसके थे, और ये थोर के बच्चे आ रहे हैं तो इनमें आ जाता है एक आधा, तो वो जेनेटिक तो आएगा, जेनेटिक तो आएगा तभी तभी तो कहता हूँ ना कि छोटा बच्चा क्वालिटी से पता नहीं चलता। हाँ। उसके जेनेटिक पे जाओ, उसके माँ बाप दादा दादी देखो, फिर उसी वो आपको पेडिग्री से पता चलेगा, उसके पेपर वर्क चेक करो आप अच्छे से। तो और सब... किसी भी भाई को वीडियो कॉल करना हो या कुछ भी करना हो बेफिक्र होके करे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस जेन्युइन बंदे करे, बच्चे बहुत परेशान करते हैं कई बार। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ना थोर अपने बच्चों से मिलेगा, वो आएगी क्योंकि कई दिनों से मैं कह रहा था, और थोर को गोल्डन रिट्रीवर के पपी से भी मिलाएंगे जो अपने पेडोस्टी फार्म पे है, और जो थोर के मतलब बच्चों से मिलाएंगे वो अपने पेडोस्टी फार्म में उसके बच्चे हैं ही, आपको पता है। तो जो आपको बच्चे लेने हैं तो भाई आपको नंबर वापस बता देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेडोस्टी में, और भाई अपने चैनल पे सेम व्लॉग्स हमेशा रहेंगे, ये चीज़ें बीच बीच में अपडेट आ जाती है, सो आपको भी देनी जरूरी है क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि भाई हमें भी डॉग्स चाहिए भाई, तो इसलिए बीच में एक दो वीडियो ये आ जाती है। नहीं अपने चैनल पे ज़्यादातर अपने सिर्फ व्लॉग्स ही आते हैं और वो ही चलेंगे, क्योंकि अब तो फार्म भी डेवलप कर दिया है, एक्वेरियम से रिलेटेड भी चीज़ आएंगी, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी कांटेक्ट करो और अपने घर पे एक नया मेंबर ले जाओ, क्योंकि ये तो हो चुके हैं भाई 40 डेज के प्लस हो गए, अभी इनके 5 दिन में वैक्सीन लग जाएंगी, तो वैक्सीनेशन कार्ड और डाइट चार्ट आपको साथ में प्रोवाइड होगा, सारी चीज़ें मिलेगी, ये देख लो। हाँ हाँ करूँ करूँ, ले ये कहती है बस मेरे हाथ पैरों।